आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोरोना वायरस की लड़ाई में स्काउट गाइड के बच्चे भी और लोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्काउट गाइड के विद्यार्थियों ने थाना सदर आगरा कैंट पुलिस चौकी पर लोगों को मास्क बांटे। स्काउट गाइड के विद्यार्थियों ने खुद ही मास्क को तैयार किए थे। ये मास्क हम इसलिए बांट रहे हैं ताकि जो लोग गरीब लोग हैं, जो लोग खरीद नहीं पा रहे हैं इन मास्कों को, तो हम अपने हाथों से सिल के हम इन लोगों को बांट रहे हैं। हम द स्काउट एंड गाइड, हमारा कर्तव्य यही है कि दूसरों की सेवा करना और हमेशा तैयार रहना दूसरों की सेवा करने के लिए। हम हमेशा इसी सब लोगों को हमेशा हेल्प करते हैं ताकि जो लोग खरीद नहीं पा रहे हैं इस महामारी से बच सके। इस एक ऐसी महामारी है जो शायद छींकने से ज़्यादा एक मीटर की दूरी ना रखने से फैलती है। हम ये मास्क इसलिए बांट रहे हैं ताकि जो लोग नहीं खरीद पा रहे हैं वो लोग इसको पहन सकें, जो कोरोना वायरस से बचने के लिए, जो अपने घर पर हमने खुद बना के जो खरीद नहीं सकते उनके लिए बना के हम लोग दे रहे हैं, जो गरीब लोग हैं। मास्क बहुत ज़रूरी चीज़ है क्या? हाँ, जिससे वो बच सके और हाथ और सैनिटाइजर से भी बस जो लगा सके, जिसके जिससे हाथ वो लोग छूते हैं तो वो बीमारी उन तक ना पहुंचे। लोगों से क्या कहना है आपका? लोगों से ये कहना है कि वो कोरोना वायरस से जितना बच सके उतना अच्छा रहेगा और वो अपना सेफ्टी खुद बनाए रखे, घर से ना निकले तो और अच्छी बात है। सर, मैं पहले सैनिटाइजर मास्क बनवा के और सैनिटाइजर हाथों को करवा के उनको मास्क पहना कर बच्चों को और बच्चे बनवा रहे हैं दा वायरस स्काउट गाइड की तरफ से, और जितने भी गरीब बंदे हैं जो इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है और वो मास्क पहनने के लिए पैसे नहीं है, तो उन्हें मास्क देने के लिए उपलब्ध कर रहे हैं और सैनिटाइजर कर रहे हैं। मास्क बहुत ज़रूरी है। हाँ जी सर, जैसे कोई बंदा आसपास में आके छींकता है या खांसता है तो उसको उसकी जरिए और दूसरों को वो वायरस ना फैले। जी,